हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। UPSC स्टाफ नर्स स्पेशल फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट ड्रग्स जहां पर MCQ बनने की संभावना बहुत अधिक है, तो आज कैरी ऑन करेंगे फार्माकोलॉजी पे बनने वाले MCQ। तो फटाफट लिंक को एक बार मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि जरूरतमंद फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को इसका बेनिफिट मिले। तो फटाफट लिंक को शेयर करें, क्लास को कैरी ऑन करते हैं। और आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करने से पहले, सफलता के लिए माइंडसेट जरूरी। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, क्योंकि सिर्फ बातें करना या सपने देखना सफिशिएंट नहीं है, हमें उस ड्रीम को सफल बनाने के लिए हमारा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि मुझे करना, मुझे एनी हाउ करना है, मुझे कुछ भी हो जाए करना ही है। दैट काइंड ऑफ माइंडसेट हेल्पिंग टू क्रैक योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो फटाफट आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं और फार्माकोलॉजी की क्लास है। डेफिनेटली पहला MCQ फार्माकोलॉजी पे ही बनेगा। द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग रेफर एच। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज रेफर एच फार्माकोकोपिया, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकोग्नेसी। चार टर्म्स आपको पुट किया है, आपको राइट आंसर पुट करना। शुक्रिया प्रदीप वर्मा। क्वेश्चन आपसे पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि चार टर्म्स हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म, एक्सक्रीशन। ये चारों एक्शन इनमें से किसमें होता है, इनमें से किस में होता है? क्या हम इसको फार्माको या फार्माकोपिया बोल सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक बोल सकते हैं, फार्माकोडायनामिक बोल सकते हैं, या फार्माको या फार्माकोग्नेसी बोल सकते हैं? तो आपको क्विक आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑलमोस्ट बच्चे यहां पर लिखे हैं फार्माकोकाइनेटिक लिख रहे हैं बच्चों। डेफिनेटली फार्माकोकाइनेटिक आपका राइट होगा, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म पुट किया है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म और एक्सक्रीशन, ADME। ये चार हैपनिंग होता है और मतलब सीधा व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, मतलब आपकी बॉडी जो है वो ड्रग के टूवर्ड्स कैसे रिस्पॉन्ड करती है। दैट मीनिंग वी कैन से फार्माकोकाइनेटिक। जैसे आपने ड्रग को लिया, चाहे वो ऑरल रूट के द्वारा या किसी अदर रूट के द्वारा, जैसे ड्रग को आपको लिया, लेने के बाद ड्रग क्या करता है, सबसे पहले आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर जो है टॉक्सिन सब्सटेंस होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, आपकी बॉडी ड्रग के टूवर्ड्स कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। मैंने जैसे फार्माकोडायनामिक का मीनिंग पुट किया है, दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, ड्रग बॉडी के टूवर्ड्स क्या एक्शन करेगी। दोनों फर्क देखना, ड्रग बॉडी के टूवर्ड्स क्या एक्शन करेगी, मैंने क्लियर लिखा है व्हाट ड्रग डज टू बॉडी दैट इज अ फार्माकोडायनामिक, और व्हाट बॉडी डज टू ड्रग दैट वी कैन से फार्माकोकाइनेटिक। दोनों का डिफरेंस जरूर देखिएगा, ये टर्म्स यहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों सॉरी फार्माकोपिया, कोपिया का मतलब होता है सिंपली ड्रग लिस्ट, सिंपल वर्ड में अपन बोले ड्रग्स लिस्ट, लिस्ट ऑफ ड्रग बोल सकते हैं या ड्रग लिस्ट बोल सकते हैं, और फार्माकोकोग्नेसी सिंपली स्टडी ऑफ ड्रग बोल सकते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ ड्रग बोल सकते हैं। तो एग्जैक्टली यह दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है मेडिकल या नर्सिंग एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एस्प्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अ पेशेंट हु इज एन ट्रीटेड विथ, एस्प्रिन जो है वो
कौन से पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, मतलब हम नहीं दे सकते, मतलब हम नहीं दे सकते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरिन इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड द पेशेंट हु इन एन ट्रीटमेंट विथ प्रिडनिसोलोन वारफरिन थियोफाइलिन एंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए बच्चों पहली बात तो मैं बता देता हूं, एस्पिरिन जो है ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, एस्पिरिन जो है ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है बच्चों, और इसी को कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। देखिए एस्पिरिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमआईबी बोलते हैं हम, एंटी प्लेटलेट ड्रग है जिसको हम ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमआईबी बोलते हैं। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एस्पिरिन इन चारों में से कौन सी ड्रग के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं देना है, फटाफट आपको आंसर पुट करना है। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए ताकि उनका भला हो सके, ताकि उनका भला हो सके। एस्पिरिन कौन सी ड्रग के साथ नहीं देते, ज्यादातर बच्चों ने यहाँ वारफरिन लिखा है, बिल्कुल देखिए बच्चों में वारफरिन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। प्रिडनिसोलोन जो स्टीरॉइड ड्रग है, स्टीरॉइड ड्रग है, और इसी को हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसी को हम कहते हैं बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस है 2 mg पर kg बॉडी वेट। बच्चों बॉडी वेट हम इस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, तो आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों, आपको लिखना प्रिडनिसोलोन स्टीरॉइड ड्रग है। दूसरा एवरीबॉडी नो वारफरिन जो है ये एंटी कोगुलेंट है बच्चों, ये एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है टू पोस्टपोन ब्लड क्लॉट, पोस्टपोन ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को होने से पोस्टपोन कर देना, रोक देना, ये एंटी कोगुलेंट का काम होता है। जैसे हिपेरिन हो गया, वारफरिन हो गया, सोडियम सिट्रेट हो गया, EDT हो गया, ये जितने भी मैं नाम आपको बता रहा हूं दीज ऑल आर द एंटी कोगुलेंट। बाकी थियोफाइलिन बच्चों ब्रोंको डायलेटर ड्रग है, थियोफाइलिन जो है ये ब्रोंको डायलेटर ड्रग है, और आपने यदि एग्जाम में सॉरी आपने पढ़ा होगा अस्थमा वगैरह उसमें यूज करते हैं, और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मालायन हो गया, माला डी हो गया, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हम पढ़ते बच्चों। ओके फाइन, अब शॉर्टली मैं आपको वारफरिन के बारे में बताना चाहता हूं कि एग्जाम में वारफरिन और हिपरिन पे क्वेश्चन पूछेंगे 200% पूछेंगे, और क्या पूछ सकते हैं वो भी जरूरी है, क्या पूछ सकते हैं वो भी जरूरी है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए वारफरिन जिसका दूसरा नाम लिखा मैंने बच्चों कोमिडिन, वारफरिन का दूसरा नाम लिखा कोमिडिन, और ये ऑरल एंटी कोगुलेंट है, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। जैसे हिपरिन में पढ़ाऊंगा बच्चों वो आईवी एंटी कोगुलेंट होगा, लो मॉलिकुलर वेट ऑफ हिपरिन पढ़ाऊंगा वो सबक्यूटेनियस एंटीकोगुलेंट होगा, वारफरिन मैंने यहां पर पुट किया है दैट वी कैन से ऑरल एंटीकोगुलेंट। क्या बोलते बच्चों इस ड्रग को, हम ऑरल एंटीकोगुलेंट बोल सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, इसके अलावा एक खास बात है, इस ड्रग का मेन पर्पज है एमआई को प्रिवेंट करना, स्ट्रोक को प्रिवेंट करना, थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करना, वॉल रिप्लेसमेंट के बाद यूज करना, या पेशेंट सफर विद अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। शुक्रिया JINC प्रीति, यू नो DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट में पहले हम हिपरिन को यूज करते हैं फॉलोड बाय वारफरिन को यूज करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने यहां पर क्लियरली पुट किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है कि डोज कितना देते हैं हम, यदि वारफरिन किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कम से कम बच्चों 5 to 6 mg पर डे, 5 to 6 mg पर डे आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। ये मैंने एक टेंटेटिव एक्सपेक्टिंग और लगभग डोज पुट किया बच्चों, और याद रखिएगा एंटीडॉट ऑफ वारफरिन विटामिन के, और ये विटामिन के है ऑल्सो नाउन एज एंटी हेमरेजिक विटामिन, इसी को हम एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं बच्चों, और विटामिन के है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, प्ले द रोल इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस। ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर को जब हमें सिंथेसिस होना है कहां होते हैं बच्चों लीवर में, तो कौन रोल प्ले करता है विटामिन के, तो विटामिन के यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। ओके फाइन,
नेक्स्ट मिलाना, मैक्सिमम एक बार यदि किसी पेशेंट को आपने वारफरिन दे दिया तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये ड्रग काम करेगी। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 48 घंटे तक ये ड्रग वर्क करती है, 24 देन 48 मतलब 2 डेज तक ये ड्रग काम करती है। हिपरिन जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा 6 आवर तक काम करती है, 6 आवर के बाद हिपरिन को रिपीट करना होता है बच्चों, ओके फाइन। और यदि किसी पेशेंट को वारफरिन ड्रग एडमिनिस्टर किया है, यदि किसी पेशेंट को वारफरिन ड्रग एडमिनिस्टर किया है और वारफरिन ड्रग के इफेक्टिवनेस का पता लगाना है तो बच्चों एक टेस्ट करते हैं INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, दैट वी कैन से इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। और बता देता हूं बच्चों इसका पर्पस देखिएगा, टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ वारफरिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेशेंट है उसको वारफरिन ड्रग चल रही है और वारफरिन का रिजल्ट देखना है, इफेक्टिवनेस देखना है, तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, INR लिखना है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो बच्चों। और दैट टेस्ट विल हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई इफेक्टिवनेस ऑफ द वारफरिन। एक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को अपने ब्रेन में फिट करिएगा बच्चों, जहां क्वेश्चन बनेगा फार्मा में वो सारे MCQ में लेके आया हूं आपके सामने, हर वो इंपॉर्टेंट ड्रग मैंने पुट किया है जो आपके आने वाले UPSC एग्जाम में फार्मा के क्वेश्चन बन सकते हैं। आई एम ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई होप इट विल हेल्पिंग फॉर बेनिफिशियरी एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन हम किसको कहते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट, शुक्रिया प्रदीप वर्मा, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन हम किसको कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लो मॉलिक्यूलर वेट देखिए मैंने लिखा बच्चों, एनोक्साप्रिन, हिपरिन, देन वारफरिन, देन तीनों को हम बोल सकते हैं, तीनों को हम बोल सकते हैं। तो क्विक आपको आंसर पुट करना है, विच इज द राइट आंसर, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन, और ये डेली एम्स का भी फेवरेट MCQ, फटाफट आपको आंसर पुट करना है कि किसको कहेंगे। वारफरिन हमने कहा था ऑरल एंटीकोगुलेंट है, हिपरिन मैंने कहा था IV एंटीकोगुलेंट है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, आपके पास ऑप्शन क्या बचा, एनोक्साप्रिन, एनोक्साप्रिन, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, दिस इज द राइट आंसर। मैं बताना चाहता हूं बच्चों एनोक्साप्रिन पे और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहली बात तो एनोक्साप्रिन जो है ये सबकुटेनियस लगता है 45 डिग्री एंगल पे, और सबकुटेनियस एंटीकोगुलेंट है। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ कि विच एंटीकोगुलेंट विल एडमिनिस्टर सबकुटेनियसली, तो आपको आंसर लिखना है लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन, दैट इज एनोक्साप्रिन, एनोक्साप्रिन माय लविंग फाइटर्स। इवन देखिएगा ओनली रिकमेंडेड क्लाइंट इन द एंटीरियर लेटरल ऑफ पोस्टीरियर लेटरल ऑफ एब्डोमन, मतलब कहां लगाएंगे, ये पेशेंट का एब्डोमन है, ये पेशेंट का एब्डोमन है बच्चों, और देखिएगा ये एब्डोमन का एंटीरियर लेटरल आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, फ्रंट का हम देखोगे तो ये आपका एंटीरियर लेटरल हो जाएगा और ये भी आपका इंटीरियर लेटरल, पीछे आप देखोगे तो ये आपका पोस्टीरियर लेटरल हो जाएगा बच्चों, मतलब सीधा दैट इज अ साइट विल एडमिनिस्टर, कहां हम लगाएंगे ये जानना भी जरूरी है कि कौन सी साइट पे लगाएंगे, तो आपको क्लियर आंसर पुट करना। सुनीत सोनी शुक्रिया बच्चा, तो बिल्कुल सही आंसर। इसके अलावा एंटीडॉट सभी को पता है बच्चों, प्रोटामिन सल्फेट जो है ये हिपेरिन का भी एंटीडॉट है, हिपेरिन का भी एंटीडॉट है, और दैट वी कैन से एनोक्साप्रिन, एनोक्साप्रिन का भी एंटीडोट है, दोनों का एक ही एंटीडोट है बच्चों, दैट इज अ प्रोटामिन सल्फेट। और बता रहा हूं बच्चों प्रोटामिन सल्फेट जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बता देता हूं ये 200% आपके एग्जाम में आपको मिलने वाला MCQ, 200% ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, दैट विल आस्किंग इन योर UPSC स्टाफनेस एग्जाम बच्चों, ओके फाइन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिपरिन के बारे में शॉर्टली और बता देता हूं बच्चों। मैंने वारफरिन आपको पढ़ा दिया, वारफरिन में मेनली मैंने कहा तो ओरल एंटीकोगुलेंट है, हिपरिन को कहते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट, क्यों कहते हैं नेचुरल, क्योंकि एक बेसोफिल सेल है, और ये बेसोफिल किसका सेल है बच्चों, WBC का, व्हाइट ब्लड सेल का एक सेल है बेसोफिल, और बेसोफिल का काम होता है आपके बॉडी में नेचुरली हिपरिन को प्रोड्यूस करना। देखिए इसका दूसरा नाम मैंने कहा था नेचुरल एंटीकोगुलेंट, नेचुरल मतलब वो सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के द्वारा आता है, और ये कौन देता है, ये बेसोफिल देता है, द
बेसोफिल किसका पार्ट है बच्चों? व्हाइट ब्लड सेल का, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शन ऑफ हिपेरिन. दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू बच्चों. इसके अलावा मैं बात करूं हिपेरिन पे, एक और क्वेश्चन बनेगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखिए बच्चों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस इज द सेफेस्ट यूज. दिस इज अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू कि कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफेस्ट यूज कर सकते हैं. कि वारफरिन जो है वो एक सिंड्रोम कॉज करता है. वारफरिन जब किसी पेशेंट को हम देंगे तो मदर के प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में चला जाएगा और स्पेसिफिक एक सिंड्रोम कॉज करता है. वहीं यदि प्रेग्नेंट मदर की हम बात करें तो बच्चों हिपेरिन वी कैन से सेफेस्ट यूज. एक और खास बात बच्चों, एबीजी एनालिसिस जब हम करते हैं तो हिपेरिनाइज्ड, याद रखिएगा बदमाश बच्चों, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज को यूज करते हैं. ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है. और हिपेरिनाइज्ड सिरिंज के अंदर एबीजी एनालिसिस के लिए ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जाता है. ये भी क्वेश्चन बनेगा कि पेशेंट है, एबीजी एनालिसिस के लिए ब्लड को कलेक्ट करना है. और डेफिनेटली यदि आप ब्लड को कलेक्ट कर रहे हो तो किसमें कलेक्ट करोगे, तो बच्चों आपको आंसर क्या लिखना है, वहां ऑप्शन में ईडीटी होगा, प्लेन वाइल होगा, और एक लिखा होगा हिपेरिनाइज्ड सिरिंज. हमें किसमें कलेक्ट करना है, हमें हिपेरिनाइज्ड सिरिंज बच्चों, हमें हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में कलेक्ट करना होगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके फाइन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों. इसमें एक और खास बात कि कौन सा रूट इसका प्रीफरेबली होता है. मैंने कहा था आईवी जो है, आईवी एंटीकोगुलेंट के नाम से हम हिपेरिन को जानते बच्चों, आईवी एंटीकोगुलेंट के नाम से हम हिपेरिन को जानते, ध्यान रखिएगा. बट ये सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं. Never ever administer for intramuscular. इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को हिपेरिन चल रहा है तो हिपेरिन के कुछ कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में पूछते हैं. सबसे पहले होता है बच्चों मेटाबोलिक एसिडोसिस, याद रखना मेटाबोलिक एसिडोसिस का मतलब होगा पेशेंट का पीएच जो है वो डिक्रीज होगा, पेशेंट का HCO3 जो है वो डिक्रीज होगा, दैट कंडीशन वी कैन से, और H+ जो होगा वो इंक्रीज होगा. ये कंडीशन को बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस. क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मतलब ओवर डाइल्यूशन ऑफ हिपेरिन प्रोलॉन्ग्ड वीनस्टेसिस विल आल्सो डिक्रीज बाइकार्बोनेट. और जब बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा तो पीएच भी क्या होगा, डिक्रीज. और जब दोनों कम होते हैं दैट कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस. एक और खास बात बच्चों, ये हाइपरकैलेमिया कॉज करता है. हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन यदि आपने किसी पेशेंट को दिया बच्चों और ये जाएगा रीनल ग्लैंड के पास और वहां पर रीनल ग्लैंड में आप देखोगे एक होता रीनल कॉर्टेक्स, ये पहुंचेगा रीनल कॉर्टेक्स पे, ये रीनल कॉर्टेक्स पे जाएगा और रीनल कॉर्टेक्स पे जाकर के कॉर्टेक्स के जो तीन पार्ट होते हैं ग्लैमेरुलोसा, रेटिकुलेरियस और मस्कुलर, तीन जो पार्ट होते हैं वहां पर जाके ये क्या करेगा, रीनल कॉर्टेक्स के आउटर लेयर जिसका नाम है जोना ग्लैमेरुलोसा, इसको कंप्रेस करेगा जिससे एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, और एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो मतलब जिसकी वजह से डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम. जब पोटेशियम का एक्सक्रीशन डिक्रीज होगा तो मतलब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा और पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो जाएगा. ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है बच्चों, याद रखिएगा. दूसरा कॉम्प्लिकेशन. इसके अलावा मैंने कहा मैक्सिमम इफेक्ट जो है 6 आवर तक रहता है और एंटीडोट का काम इसमें भी प्रोटामिन सल्फेट करता है. एक होता एपीटीटी का मतलब होता है एक्टिवेटेड, ध्यान से देखना बच्चों, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन. ध्यान से देखने की कोशिश करना बच्चों, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. और ये एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है ये फाइंड आउट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ हिपेरिन. किसका पता लगाता है बच्चों, इफेक्टिवनेस ऑफ हिपेरिन. मिलान सिंह डोनेटिंग 60 रुपीज
मिलान सिंह डोनेटिंग 60 रुपीज टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड. थैंक यू मिलान फॉर सुपर चैट विद द सुपर जेएनसी. शुक्रिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने क्लियर मेंशन किया कि हिपरिन पे क्या एमसीक्यू बन सकता है, वारफरिन पे क्या एमसीक्यू बन सकता है, इवन लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन पे क्या एमसीक्यू बन सकता है. और आई होप इट हेल्पिंग टू क्रैक कमिंग यूपी पीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम बच्चों. ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं कि द एब्रिवेशन टीआईडी, टीआईडी का मतलब क्या होता है, टीआईडी का मतलब क्या होता है. मैंने आप आंसर लिखा है एट बेड टाइम थ्री टाइम्स डेली और आफ्टर मील इफ नेसेसरी. थोड़ा सोच के आंसर देना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. क्लियर पुट किया, क्लियर पुट किया है कि एट बेड टाइम देना. मैं इवन हिंट देता हूं, टीआईडी को आप टीडीएस बोल सकते हो, टीआईडी को आप टीडीएस बोल सकते हो. अब आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, अब आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए. मैंने लिखा एब्रीवेशन में टीआईडी का मीनिंग एट बेड टाइम आफ्टर मील थ्री टाइम्स डे या इफ नेसेसरी. इफ नेसेसरी क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा. शुक्रिया नवाब खान, शुक्रिया बच्चा. थ्री टाइम्स डे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर पुट किया, दिन में तीन बार, दिन में तीन बार ज्यादातर बच्चों ने आंसर पुट किया है. और आपका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली फंटास्टिक है बच्चों, बहुत बढ़िया सुपर. मैं काफी सारी एब्रीवेशन आपको बताना चाहता हूं. एचएस जो होता है वो हमेशा इंडिकेट करा एट बेड टाइम, रात को सोते समय. ऐसी बहुत सारी ड्रग्स होती है जो हमें बेड टाइम लेना होता है, तो डॉक्टर एब्रीवेशन क्या लिखता है, सपोज टेबलेट का नाम लिखेगा, नाम के बाद पीछे लिख देगा एचएस. एचएस का मतलब है इस ड्रग को पेशेंट को रात को सोते समय देना, पहली बात. दूसरा बच्चों पीसी, और कभी कभी पीसी एक साथ लिखते तो आफ्टर मील, पोसिबम आफ्टर मील बच्चों, खाना खाने के बाद देना होता है. यदि डॉक्टर ड्रग के आगे पीसी लिखा है तो उस ड्रग को खाना खाने के बाद देना होता है. एसओएस मतलब जब जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े. एसओएस का मतलब होगा इफ नेसेसरी, इफ नेसेसरी मतलब एक पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है. प्रीति कुशवाहा बेटा आप बदमाशी नहीं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने एनाल्जेसी को लिखा है और उसके आगे लिखा एसओएस, मतलब जब पेशेंट कंप्लेन करे कि मुझे पेन हो रहा है तो आप उस ड्रग को दे सकते हैं विदाउट कॉलिंग फॉर डॉक्टर, तो दैट इज एसओएस. इवन मैंने लिखा बच्चों पीआरएन प्रोरीनेटा, जिसको हम एज नीडेड बोलते हैं, जब जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े. और ऑन कॉल मेडिकेशन जब भी हमें पेशेंट को देना होता है तो कॉल करने के अगले 5 मिनट के अंदर अंदर वो ड्रग हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देनी चाहिए. ये ऑन कॉल मेडिकेशन, जब भी इमरजेंसी होती है पेशेंट को तो ऑन कॉल डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं, और ऑन कॉल जो है कॉल रिकॉर्डिंग होती है ताकि विटनेस के रूप में हम उसको यूज कर सके. और वो ड्रग जो है डॉक्टर के कहने के अगले 5 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को देना होता बच्चों. और ये ज्यादातर इमरजेंसी ड्रग्स होती है, ये ज्यादातर जो है इमरजेंसी ड्रग्स होती है. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. इन आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ध्यान से देखना बच्चों, इन आरटीए यूज विच ऑफ द कैनुला, मतलब किसी पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ. देखिए बच्चों बहुत मजेदार एमसीक्यू, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, हमेशा याद रखना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो पेशेंट का क्या लॉस होगा बच्चों, ब्लड. जब ब्लड लॉस होगा तो मतलब बॉडी से क्या लॉस हो रहा है, फ्लूड लॉस हो रहा है. क्या लॉस हो रहा है, फ्लूड लॉस हो रहा है. और ये पेशेंट किसमें जा सकता है बच्चों, हाइपोवोल्मिक शॉक. किसमें जा सकता है, हाइपोवोल्मिक शॉक. और हाइपोवोल्मिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए हमें एक साथ बंच अमाउंट ऑफ फ्लूड को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा. मेरा एमसीक्यू आपसे पूछा है कि कौन सा नंबर का कैनुला रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में यूज किया जाता है. मैंने रीजन आपको पुट किया, क्या बात है, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन. मैंने यहाँ पर रीजन पुट किया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पेशेंट का ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस का मतलब फ्लूड लॉस हुआ, और फ्लूड लॉस की वजह से हाइपोवोल्मिक शॉक हो सकता है. तो इस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन से नंबर का कैनुला यूज करना होता है. ऑप्शन में 16 लिखा है, 18 लिखा है, 20 लिखा है और 22 लिखा है. सोच के आंसर देना बच्चों, दो आंसर लगातार आ रहे हैं, 18 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, बट आपका सही आंसर जो है वो 16 गॉज का होगा. ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखना, 16 गॉज नीडल यूज इन द मेजर सर्जरी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रिक्वायर मैसिव ब्लड. आज के बाद अपना कॉन्सेप्ट बदलिएगा और आपको सही आंसर लिखिएगा 16 गॉज.
दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू. ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. बच्चों एक बार क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्लास को लाइक करना ना भूलें. वी क्रॉस्ड 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. लाइक इट राइट नाउ एवरीवन, डू इट सावस. बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे बताने वाला बच्चों, क्योंकि यूपीपीएससी के अंतिम क्षण में हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर को रिमाइंडर करने के रूप में स्टडी कर रहे हैं बच्चों. तो फटाफट फटाफट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्विक आंसर के साथ लाइक जरूर करें. 1600 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें और आपका लाइक कैरी ऑन होना चाहिए. और जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग फेसबुक पेज पे लगातार बच्चे क्लास को स्टडी करें. बच्चों क्लास को शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा. ओके फाइन. अब मैं बताना चाहता हूं, कुछ बच्चों ने 18 आंसर लिखा, 18 पे भी एमसीक्यू पूछेगा. ब्लड और लॉट्स ऑफ फ्लूड, ध्यान रखना मेनली क्वेश्चन आएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन में हम कौन से नंबर या कौन से गॉज का कैनुला यूज करते हैं, वहां पर आपको 18 लिखना है. मैंने जब आपको कहा था मेजर सर्जरी और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला वर्ड आया है तो आपको 16 गॉज लिखना है. ये देखिए लिटिल बिट डिफरेंस होता है और हमें हर छोटी से छोटी क्वेरीज को मिनिमाइज करना होगा बच्चों, इफ यू वांट टू क्रैक कमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम. तो ऑलमोस्ट बच्चों ने जहां 16 लिखा उनका आंसर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सही था. 18 वालों का मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूशन बताया. 20 यूनिवर्सल है, पिंक कलर का कौन नहीं जानता. 20 गॉज का कैनुला कॉमनली अडल्ट में हम हॉस्पिटल सेटअप में यूज करते हैं, हम हॉस्पिटल सेटअप में यूज करते हैं, दैट वी कैन से 20 गॉज कैनुला. और ये यूनिवर्सल इसलिए लिखा क्योंकि कॉमनली रेंडमली हम 22 गॉज की जगह 20 का यूज करते हैं, 20 का यूज करते हैं. 22 जो है थोड़ा उसका साइज लिटिल का स्मॉल होता है तो हम एल्डरली में यूज कर सकते हैं या किसी पेशेंट का फ्लूड को मेंटेन करना, मेंटेनेंस में फ्लूड चलना है 24 आवर तक धीरे धीरे उस कंडीशन में हम यूज करते हैं. इवन कभी कभी क्या होता है पेशेंट को डिहाइड्रेशन, सपोज पेशेंट को डिहाइड्रेशन है और डिहाइड्रेशन में वेन जो है वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, वेन जो है वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, तब हम प्रीफर करते हैं 22 गॉज का. बट ज्यादातर एज क्राइटेरिया आपसे पूछे, एज क्राइटेरिया आपसे पूछे तो आपको क्लियर आंसर पुट करना होगा कि 22 गॉज का एल्डरली में. और मैं बताना चाहता हूं बच्चों 24 का या ऑप्शन में नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं 24 गॉज का जो येलो कलर का होता है ये हम चिल्ड्रन में बच्चों में यूज करते हैं, बच्चों में यूज करते हैं. एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि 24 गॉज का जो है येलो कलर का हम कॉमनली बच्चों में यूज करते हैं. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. ओके फाइन. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर से ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने सपना तो देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कुछ परिस्थिति की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, अधूरा रह गए, ये उनके लिए बच्चों उठो जागो और करो अपने सपनों को पूरा और कोई नहीं आएगा आपको जगाने बच्चों. तो ये कोर्स जो है कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स, जिसकी प्राइस बच्चों मैंने क्लियर मेंशन किया है 6499 और ये 1 ईयर की वैलिडिटी का कोर्स है. इसमें कंप्लीट नर्सिंग हम पढ़ाएंगे बच्चों, ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास है, प्लस इसके अलावा रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, जीके होगा, इमरजेंसी नर्सिंग होगा और इसके साथ 4000 प्लस एमसीक्यू होगा. बट ये क्वेश्चन बच्चों यूनिट वाइज होंगे, ये टेस्ट जो है शुक्रिया बबलू यूनिट वाइज होंगे. जैसे आपने ब्लड पढ़ा तो ब्लड का एमसीक्यू मिलेगा, कार्डियो पढ़ा तो कार्डियो के क्वेश्चन, 100-100 नंबर के पेपर्स होंगे ताकि आप अपने आप को एनालिसिस कर पाए. और सिंपल तरीका प्ले स्टोर पे जाना है, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना, मेल आईडी से लॉग इन करें, बाई कोर्स पे जाए आप परचेज कर सकते हैं या फिर 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और हिस्सा बन सकते हो जेएनसी परिवार का, हिस्सा बन सकते हो जेएनसी परिवार का. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ड्रग यूज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉन्ड डेंसिटी. बॉन्ड डेंसिटी देखिए, बॉन्ड डेंसिटी लॉस होता तो पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, याद रखिएगा. जब भी पेशेंट का बॉन्ड डेंसिटी लॉस हुआ तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा और इसी को हम कहते हैं साइलेंट, इसी को हम कहते हैं साइलेंट थीप बच्चों. ऑस्टियोपोरोसिस का ही दूसरा नाम है साइलेंट थीप. ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब इंबैलेंस बिटवीन ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट. मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना गुरमीत विश्व, हैप्पी बर्थडे बच्चा. इंबैलेंस बिटवीन
ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट बच्चों, दैट कंडीशन वी कैन से ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन मैंने पुट किया बच्चों कैल्सीटोनिन, ऑप्शन मैंने पुट किया है कैल्सीटोनिन, एलोप्रिनोन, देन ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चों बाइफॉस्फोनेट और मीथोट्रेक्सेट। क्विक आंसर पुट करना है और मैं फिर बता रहा हूं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फिर बता रहा हूं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, क्विक आंसर पुट करना कि कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं बॉन्ड डेंसिटी को लॉस होने से प्रिवेंट करने के लिए। मैंने क्वेश्चन में पुट किया कैल्सीटोनिन, एलोप्रिनोन, बाइफॉस्फोनेट, मीथोट्रेक्सेट, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझिएगा सुनीत सोनी, एमसीक्यू पढ़िएगा, दिए गए ऑप्शन को पुट करने की कोशिश करना, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ड्रग से रिलेटेड होगा। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी में वो एमसीक्यू हम लर्न कर रहे हैं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आने वाले यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के एग्जाम में। तो फटाफट आपको आंसर पुट करना, शुक्रिया शिवलाल जाट, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर बाइफॉस्फोनेट लिखा, बिल्कुल सही। देखिए कुछ बदमाशों ने कैल्सीटोनिन लिखा है, मैं क्लियर कर देता हूं कॉन्सेप्ट। बाइफॉस्फोनेट रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट, और इसका भी मैंने एग्जांपल लिखा है बच्चों एलेंड्रोनेट, एलेंड्रोनेट ड्रग विल यूज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉन्ड डेंसिटी, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉन्ड डेंसिटी। देखिए कैल्सीटोनिन जो है ये हार्मोन है, कैल्सीटोनिन जो है ये हार्मोन है, और इसका काम होता है डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम, ये याद रखना, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। और बहुत सारे बच्चे नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, कैल्सीटोनिन और कैल्शियम दोनों मिले जुले नाम की वजह से आप गलतियां करते हो। याद रखना कैल्सीटोनिन एक हार्मोन है दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम। ये क्या करेगा, आपके बोन में कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करने का काम करेगा, जिससे पेशेंट में कैल्शियम का लेवल कम होता है, कैल्शियम का लेवल कम होता है। आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, कैल्सीटोनिन हमेशा कैल्शियम के लेवल को कम करने में हम यूज करते हैं, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में देते हैं, हाइपर कैल्सीमिया में देते हैं, याद रखना बदमाश बच्चों। दूसरा एलोप्रिनोन जो है ये यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करने में मदद करता है बच्चों, यूरिक एसिड के लेवल को कम होने में मदद करता है। इफ द पेशेंट सफर विद द गॉटी आर्थराइटिस, इफ द पेशेंट सफर विद द यूरिक एसिड स्टोन, इफ द पेशेंट इज ऑन एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, जब हम क्या देंगे एलोप्रिनोन देंगे। मीथोट्रेक्सेट इम्यूनो मोडिफायर ड्रग से बच्चों, इम्यूनो मोडिफायर, मोडिफायर ड्रग से जो इम्यूनिटी को मॉडिफाइड करने में मदद करता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी ड्रग का काम क्या है। मेरा एमसीक्यू आपसे था कि बॉन्ड डेंसिटी को लॉस होने से रोकने का काम कौन करता है, बॉन्ड डेंसिटी को लॉस होने से रोकने का काम कौन करता है। तो ये याद रखिएगा बच्चों, कैल्सीटोनिन वाला कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों में होता है, आज के बाद नहीं होना चाहिए। इट आर रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज कैल्सियम लेवल। ओके फाइन, ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुक्राल फैट ड्रग का पर्पस क्या है। देखिए एक और मजेदार एमसीक्यू, सुक्राल फैट, आपने एक डिजीज पढ़ा होगा बच्चों पेप्टिक अल्सर, आपने एक डिजीज पढ़ा होगा पेप्टिक अल्सर, और पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को सुक्राल फैट ड्रग दिया जाता है। मेरा एमसीक्यू आपसे पूछा है, मेरा एमसीक्यू अमित मिश्रा, शुक्रिया बच्चा, मेरा एमसीक्यू आपसे कि सुक्राल फैट का एक्शन क्या होगा, क्या ये H2 ब्लॉकर ड्रग है, क्या ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, क्या इस ड्रग को न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड करने वाली ड्रग बोलेंगे या म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट बोलेंगे। देखिए ये पेशेंट का स्टोमक है, ये पेशेंट का स्टोमक है, और स्टोमक की जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसका नाम है म्यूकोजा, उसका नाम है म्यूकोजा, और जब ये म्यूकोजा ब्रेक डाउन होता है, म्यूकोजा ब्रेक डाउन होता है तो पेशेंट के स्टोमक में इरोजन हो जाता है, इरोजन हो जाता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। मैंने आपसे पूछा है बच्चों सुक्राल फैट ड्रग जो है इसका काम क्या होगा, बच्चों सुक्राल फैट ड्रग जो है ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट है। ये क्या ड्रग क्या करती है, इस इनर मोस्ट लेयर के ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर देती है जिससे ये इनर मोस्ट लेयर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम HCl, दैट इज HCl से प्रिवेंट किया जाए बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रिवेंट किया जाए
prevent to break down my loving future nursing officer. तो आपने सही आंसर लिखा mucosal protective agent. या क्वेश्चन बहुत बनेंगे, बहुत सारे MCQ इस ड्रग पे आपसे पूछा जा सकता है. मैंने कहा ना फार्मा में वो हर MCQ आप तक दूंगा जो आपको UPPSC पूछ सकता है. न्यूट्रलाइज करने की कौन सी ड्रग वो भी मैं आपको बताऊंगा. दूसरा म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट जो है इसके कुछ पर्टिकुलर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे इस ड्रग को खाना खाने से एक घंटे पहले देना. क्यों देना? जैसे ही आपने फूड इनटेक किया, जैसे ही आपने फूड इनटेक किया और ये फूड आपका जैसे ही स्टोमक में पहुंचा तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज. जैसे ही स्टोमक में फूड पहुंचा तो स्टोमक में कौन रिलीज होगा? HCL रिलीज होगा. कौन रिलीज होगा? HCL रिलीज होगा. और ये HCL एक्सेस होगा तो पेशेंट की इनर मोस्ट लेयर को डैमेज करता है, इनर मोस्ट लेयर को डैमेज करता. सुनीता पटेल, शुक्रिया बेटा सुनीता. तो पेशेंट को हमेशा एक घंटा पहले देंगे तो वो क्या करेगी, इनर मोस्ट लेयर के ऊपर एक बैरियर बना देगी जिससे पेशेंट के इनर लेयर को डैमेज होने का चांस कम होगा. आशिप डोनेटिंग 40 rupees टू द JINC स्टूडेंट फंड. थैंक यू आशिप for your lovable contribution towards JINC student. So my loving future nursing officer, 1 hour pehle dena hai, then when administered by the nasogastric tube, yadi patient bedridden, patient ko rice tube dala hua hai, to is tablet ko dissolve karna hai, water mein dene se pehle, aur ye drug kya cause karti hai, bachcho, constipation, side effect poochte hai, ki which is the side effect of sucralose, ki HCL ko aane hi nahi dega, to phir, फूड का केमिकली ब्रेकडाउन नहीं होगा तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा और कॉन्स्टिपेशन हेमरॉइड कॉज कर सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर एग्जाम में पूछते हैं कि म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट किसको बोलते हैं. तो सुक्राल फैट लिखना. क्या लिखना बच्चों? सुक्राल फैट. शुक्रिया ताली भाटी, शुक्रिया माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. दूसरा म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट की जब मैं बात करता हूं तो ये 1 hour प्रायर देना है. नाइजोगेसिक ट्यूब से जब भी आप देगो तो उसको डाइल्यूट करके देना बच्चों. ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों. मजेदार क्वेश्चन है. जैसे मैंने H2 ब्लॉकर का एग्जांपल ऑप्शन दिया था, मैंने आपसे पूछ लिया कि विच H2 ब्लॉकर. देखिए बच्चों यहां चार ऑप्शन है. देखिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसका काम है गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, H2 ब्लॉकर है जो ब्लॉक करता है HCL के प्रोडक्शन को, HCL के प्रोडक्शन को ब्लॉक करने का काम करता है, दैट इज H2 ब्लॉकर. मैं आपको H2 ब्लॉकर पढ़ाऊंगा. देखिए शुक्रिया पायल. दूसरा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आप पढ़ते हैं दैट वी कैन से पेंटाप्राजोल, रेबीप्राजोल, जितने भी ड्रग पढ़ते हो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है जिसका काम होता है कहीं के न्यूट्रलाइज करना एसिडिक सब्सटेंस को. तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कौन सा H2 ब्लॉकर है, इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर कैन कॉज डिसओरिएंटेशन. मतलब बच्चों ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. और वो कौन सी H2 ब्लॉकर ड्रग है जो इस बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में एंटर करेगी और पेशेंट को डिसओरिएंटेड कर देगी, पेशेंट को डिसओरिएंटेड कर देगी. मैंने लिखा बच्चों रेनिटिडीन, निजाटिडीन, सिमेटिडीन और एसिलॉक. आपको एक आंसर पुट करना बच्चों, आपको एक आंसर पुट करना है कौन सी वो ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में एंटर करेगा और ब्रेन के फंक्शन को अल्टर करेगा जिससे पेशेंट को डिसओरिएंटेशन होगा, जिससे पेशेंट को डिसओरिएंटेशन होगा. एब्सोल्युटली फंटास्टिक आंसर बच्चों. याद रखने का तरीका बच्चों, सिमेटिडीन सी से याद रखना क्रॉस, किसको क्रॉस करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर. और पेशेंट के ब्रेन में क्या डेवलप कर देता है? कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी और इवन वी कैन से डिसओरिएंटेशन, इवन वी कैन से डिसओरिएंटेशन. क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसमें कंटिन्यूअस टाइप की कैपिलरीज होती है, कंटिन्यूअस टाइप की कैपिलरीज पाई जाती है बच्चों, याद रखिएगा कंटिन्यूअस टाइप की कैपिलरीज पाई जाती है और इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. बट सिमेटिडीन ड्रग कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, एंटर इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कैन कॉज कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, इरिटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम कॉज करता है बच्चों. एक और खास बात देखिएगा, मैंने यहां लिखा है एडमिनिस्टर जब भी करेंगे हम ऑरली दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं. यदि आप IV दे रहे हैं तो पेशेंट को हाइपोटेंशन या डिसअर्थमियाज कॉज कर सकते हैं. एक और खास बात बच्चों, एक ड्रग मैंने लिखा है
सेडेशन इफेक्ट और ऑलवेज अवॉइड द व्हाइट क्लॉ. ऑलरेडी मैंने बताया कि भाई नर्वस सिस्टम में जो ड्रग जाएगी नर्वस सिस्टम के फंक्शन को लॉस करेगी, और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को लॉस करेगी तो अवॉइड करना ड्राइविंग को. ब्रेन में ड्रग जाने के बाद डिसोरियंटेशन, एंजाइटी, कंफ्यूजन, ये कॉमन सिम्टम डेवलप होंगे बच्चों. और इवन जब भी पेशेंट के ड्रग देते हैं तो हमें क्लियर मेंशन करते हैं कि ड्राइवर को अवॉइड करना होता है. एक ड्रग और मैंने पुट किया बच्चों, निजाटिडिन. निजाटिडिन जो है वो लीवर डिसऑर्डर वाले पेशेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है. यदि पेशेंट को कोई लीवर डिसऑर्डर है और लीवर डिसऑर्डर वाले को आपको H2 ब्लॉकर देना है, H2 ब्लॉकर ड्रग देना है, तो बच्चों आप कौन सा मेंशन करोगे, आप पुट करोगे निजाटिडिन. निजाटिडिन देखिए बच्चों, एक एक ड्रग और उसकी वैल्यू जानना बहुत जरूरी है. द ड्रग वी कैन से निजाटिडिन. ए पेशेंट हैव लीवर डिसऑर्डर, ओनली द ड्रग ऑफ चॉइस वी कैन से निजाटिडिन. ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट ड्रग में मैंने पुट किया है, क्लाइंट विद द एडवांस सिरोसिस ऑफ लिवर इज नॉट टॉलरेटिंग द प्रोटीन वेल एज एविडेंस बाय द एबनॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यू. द नर्स एंटीसिपेट दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन विल बी प्रिस्क्राइब फॉर द क्लाइंट. पहली बात तो मैं बता देता हूं, एडवांस सिरोसिस, ये जो लिवर है, ये जो लिवर है, इस लिवर का काम है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया, अमोनिया को एक्सक्रीट करने का काम है लीवर का. और यदि लीवर के फंक्शन लॉस हो गए, लीवर के फंक्शन लॉस हो गए, मतलब किसकी वजह से हो गया, सिरोसिस, सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लीवर बच्चों. और सिरोसिस ऑफ लीवर के कॉज क्या, अल्कोहल हो सकता है, कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है. तो याद रखिएगा, यदि पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ तो लीवर के फंक्शन लॉस हुआ, जिसकी वजह से ये अमोनिया जो एक्सक्रीट होना चाहिए ये नहीं होकर के ये कहां चला जाएगा बच्चों, ब्रेन में या नर्वस सिस्टम है, और पेशेंट को हिपेटिक एंसेफेलोपैथी कॉज करता है. हिपेटिक एंसेफेलोपैथी कॉज करता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड, ये कॉज करता है हिपेटिक एंसेफेलोपैथी. तो हमें सिरोसिस ऑफ लिवर वाले पेशेंट को कौन सा वो ड्रग हम देना है कि पेशेंट को यदि सिरोसिस ऑफ लीवर है तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा सके. तो ऑप्शन आपके सामने, लैक्टुलूज के आप दे सकते हो, इथाक्राइनिक एसिड एंटीबायोटिक है, देन फॉलिक एसिड और थाइमी. कौन सा ड्रग आप दोगे बच्चों, कौन सा ड्रग आप दोगे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. बिल्कुल रोशन जामदा, नया सवेरा, बिल्कुल बेटा वीडियो कंटिन्यू होगा. चार ऑप्शन है, लैक्टुलूज, इथाक्राइनिक एसिड, फॉलिक एसिड, थियामाइन. फटाफट आपको आंसर पुट करना, फटाफट आंसर पुट करना बच्चों. ऑलमोस्ट बच्चों ने लैक्टोलूज लिखा है, ऑलमोस्ट बच्चों ने लैक्टोलूज लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट. बिकॉज बच्चों लैक्टोलूज जो है ये स्टूल सॉफ्टनर, ध्यान से देखिएगा, ये स्टूल सॉफ्टनर ड्रग है. शुक्रिया मिला. लैक्टोलूज जो है क्लाइंट विद द सिरोसिस ऑफ लीवर, इंपेयर्ड एबिलिटी टू मेटाबोलाइज प्रोटीन बिकॉज ऑफ लीवर डिसफंक्शन. तो लैक्टोलूज क्या करेगा, द क्लियरेंस ऑफ द अमोनिया. मैंने कहा ना बच्चों, ये क्या करेगा, जो आपका जीआई ट्रैक, देखिए बच्चों, देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे ये आपका जीआई ट्रैक है, ये आपका जीआई ट्रैक है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन, फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन है. और इस तरीके से, इस तरीके की पेशेंट ने लैक्टोलूज को लिया, लैक्टोलूज को लिया, ये क्या करेंगे, ये पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और जो अमोनिक, अमोनिक सब्सटेंस है उसके साथ बाइंड होगा और इसको क्या करवा देगा, एक्सक्रीट करवा देगा. तो मतलब लिवर इज अनेबल टू एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, उस समय पेशेंट को कौन सी ड्रग देंगे, लैक्टोलूज देंगे, जिसको हम स्टूल सॉफ्टनर बोल सकते हैं. और लैक्टोलूज ड्रग क्या करेगी, पेशेंट के बॉडी में अमोनिया को एक्यूमुलेट होने से प्रिवेंट करने की काम करेगा. फॉलिक एसिड जो है ये प्रिवेंट करेगा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, प्रिवेंट करता है बच्चों मेगेलोब्लास्टिक, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से पेशेंट को मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है. बाकी जो थायमिन है, विटामिन B1 को सप्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं. इथाक्राइनिक एसिड एंटीबायोटिक के रूप में काम कर सकती है बच्चों. तो लैक्टोलूज क्या है, लैक्टोलूज क्या है, ये स्टूल सॉफ्टनर है, ये स्टूल सॉफ्टनर है. मतलब सीधा कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो भी हम लैक्टोलूज को यूज कर सकते हैं. शुक्रिया सरोज स्वामी. तो दैट वी कैन से लैक्टोलूज, That we can select to lose. Okay, fine. Next, dekhiega. Next question is, which drug of TB can cause peripheral neuropathy? TB ki kaun si drug hai? Which drug of TB can cause peripheral neuropathy? Maine likha bachcho, rifampicin likha hai.
आइसोनियाजिड लिखा है, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन लिखा है, इथेम्ब्यूटो लिखा बच्चों, इथेम्ब्यूटो लिखा। एक बात और क्लियर कर देता हूं बच्चों, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब आप एक्सट्रीमिटीज की जो नर्व सप्लाई है, एक्सट्रीमिटीज की जो नर्व सप्लाई है वहां के नर्व इंपेयर्ड करना, दैट वी कैन से पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या हम रिफामोसिन को बोलते हैं, क्या हम आइसोनियाजिड को बोलते हैं, क्या बच्चों हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को बोलते हैं, क्या बच्चों हम इथेम्ब्यूटोल को बोलते हैं। चार ऑप्शन मैंने आपके सामने पुट किया है, आपको एक सेलेक्ट करना है, एक राइट करना है कि कौन सा सही होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि विच टीबी ड्रग आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ऑलमोस्ट बच्चों ने आइसोनियाजिड को आंसर पुट किया है और मैंने आपके आंसर से सहमत भी हूं, बट मुझे बच्चों एंटी ट्यूबरक्लोसिस की जितनी भी ड्रग्स है यहां बहुत एमसीक्यू बनेंगे। पहली बात तो आइसोनियाजिड को आप बोल सकते हो बैक्टीरियोसाइडल, इस ड्रग को आप बोल सकते हो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, और साइडल वर्ड का सीधा मीनिंग होता है, साइडल वर्ड का सीधा मीनिंग होता है किल बैक्टीरिया, साइडल वर्ड का सीधा मीनिंग होगा बच्चों किल बैक्टीरिया, मतलब वो ड्रग जो बैक्टीरिया को किल करने की काम करती है, जैसे आइसोनियाजिड उसमें से एक है। दूसरी खास बात देखिएगा, आइसोनियाजिड ही मोस्ट कॉमन ड्रग है जो हम टीबी वाले पेशेंट को यूज करते हैं। दिस इज अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू कि विच इज द मोस्ट कॉमन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग विल यूज टू ट्रीट पेशेंट सफर विद द टीबी। टीबी वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, ये एमसीक्यू आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं बच्चों, तो आपको आंसर लिखना होगा आइसोनियाजिड, जिसे INH के नाम से तो आपने सुना होगा, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड। ओके फाइन, वन मोर थिंग्स, एडमिनिस्टर पायरोडॉक्सिन टू प्रिवेंट विटामिन B6 डेफिशिएंसी टू रिड्यूस रिस्क ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी। जब भी हम पेशेंट को आइसोनियाजिड देंगे, तो आइसोनियाजिड विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कॉज करती है और जिसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है, तो हम सप्लीमेंट क्या देंगे विटामिन B6, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का है, कौन सी ड्रग को सप्लीमेंट के रूप में साथ में देंगे बच्चों, तो आपको आंसर लिखना होगा विटामिन B6। ओके फाइन, एक और खास बात आपको बताता हूं बच्चों, आइसोनियाजिड जो है INH जो है ये तीन तरह का साइड इफेक्ट करता है, एक हम पढ़ते हैं आयरन एक्यूमुलेशन, इन माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम बोलते हैं सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। एन से याद रखना न्यूरोपैथी, जिसमें मैंने पुट किया पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एच से याद रखना बच्चों हेपेटाइटिस। तो ये साइड इफेक्ट है आइसोनियाजिड ड्रग का, एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। मैं आपको सारी ड्रग के बारे में शॉर्टली बताऊंगा। इवन ये भी एक क्वेश्चन आता है, इफ ट्यूबरक्लीन टेस्ट जिसको आप मोंटॉक टेस्ट बोलते हो, यदि ये पॉजिटिव आया है तो कौन सी ड्रग पेशेंट को दोगे, तो आपको आंसर लिखना आइसोनियाजिड। मतलब ट्यूबरक्लीन टेस्ट का मतलब होता है टू फाइंड आउट ससेप्टेबिलिटी ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, कि आपके ब्लड में या आपकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई की एंट्री हुई कि नहीं हुई, दैट वी कैन से मोंटॉक्स टेस्ट। और यदि मोंटॉक टेस्ट पॉजिटिव है मतलब एंट्री हुई है, तो उस पेशेंट को टीबी होने से बचाने के लिए हम आइसोनियाजिड ड्रग देते हैं बच्चों। और कितना डोज देंगे इसका, आइसोनियाजिड ड्रग कॉमनली एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों 300 mg, और ये 9 to 12 months तक देंगे बच्चों, 9 से 12 महीने तक हम लोग 300 mg आइसोनियाजिड देंगे, तो पेशेंट को टीबी होने से बचाया जा सकता है, ओके फाइन। अब मैंने इसके अंदर बहुत सारी ड्रग और पुट किए, मैं फटाफट उसके बारे में भी आपको बता देता हूं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। जैसे बच्चों यहां पर मैंने पुट किया है रिफामोसिन का साइड इफेक्ट होता है रेड ऑरेंज यूरिन, याद रखिएगा। मैंने यहां पर पुट किया इथेम्ब्यूटोल, बच्चों इथेम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट होगा ऑप्टिक न्यूराइटिस, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द इथेम्ब्यूटोल। स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट होगा ओटोटॉक्सिसिटी या डेफनेस बोल सकते हो, या लॉस ऑफ हियरिंग बोल सकते हो या डैमेज ऑफ 8th क्रेनियल नर्व बोल सकते हो। याद रखना बच्चों,
डैमेज ऑफ 8 क्रैनियल नर्व, उसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ये अदर ड्रग का साइड इफेक्ट मैंने लिखा है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो किसी भी ड्रग के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ड्रग है पेशेंट को देंगे तो क्या कॉज कर सकती है। याद रखना बच्चों, रेड ऑरेंज यूरिन जो है रिफामिसिन, आर से याद रखना रेड ऑरेंज यूरिन, ई से याद रखना आई, आई से याद रखना ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक न्यूराइटिस, और स्ट्रेप्टोमाइसिन से याद रखना ओटोटॉक्सिटी कर सकता है, हियरिंग लॉस कर सकता है, या सबसे इंपॉर्टेंट है टू डैमेज ऑफ द 8th क्रेनियल नर्व, और 8th क्रेनियल नर्व का नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। सुमन यादव बिल्कुल सही, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व को डैमेज कर सकता है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। देखिए हर एक एमसीक्यू में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और मैं क्विक रिव्यू के साथ फार्मा के इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में आपको बताते हुए आगे चलना हूं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, उनका रिवीजन है, जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं उनको वो बुलेट्स के रूप में काम आएंगे, और जब एग्जाम हॉल में बैठ के आप एग्जाम दे रहे होंगे तो इतना मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, आप जेएनसी को जरूर याद करोगे कि ये एमसीक्यू वहां पर ऐसा सर ने बताया था। दैट आई वॉन्ट, दिस इज द रियल आई वॉन्ट, और मेरे बच्चे सही आंसर लिख के सेलेक्ट होके आए, ये आपका जेएनसी परिवार आपसे चाहता है। बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और मैं अभी बीच में आपको लास्ट डेज में आप क्या कर सकते हो उसका भी मैंने बंदोबस्त किया है, ताकि इस मिशन को पूरी तरीके से आप जीत के आओ बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, जीटीटी मींस क्या होता है, जीटीटी मीनिंग पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय जीटीटी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चों देखिएगा, ए में लिखा है ड्रॉप, बी में लिखा है एमएल, सी में लिखा एन औंस, और डी में लिखा गैलन। यहां 3-4 एमसीक्यू पढ़े, मैंने पूछा जीटीटी व्हाट इट मींस बाय जीटीटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इट मींस बाय जीटीटी। बच्चों लाइक करना ना भूले, लाइक करना ना भूले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो यहां लिखा बच्चों जीटीटी का मीनिंग क्या होता है, ए ड्रॉप लिखेंगे, एमएल लिखेंगे, औंस लिखेंगे, गैलन लिखेंगे, और आप फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने सही लिखा, ए ड्रॉप, बिल्कुल सही। मैं बताना चाहता हूं जीटीटी को हम गुटेड भी बोलते हैं, गुटेड, और जीटीटी का मतलब बच्चों ड्रॉप होता है, ड्रॉप, जैसे किसी डॉक्टर लिखा 10 जीटीटी, या हम लिख सकते हैं 10 ड्रॉप। तो कंफ्यूज मत होना, जहां जीटीटी वर्ड आता है वहां तुरंत समझ जाना जीटीटी का मतलब क्या होगा बच्चों, दैट इज अ ड्रॉप। एक और क्वेश्चन यहां बनेगा, जैसे वन पिंट, एग्जाम में कई बार पिंट वाला क्वेश्चन भी बनता है, वन पिंट का मतलब 500 ml, जैसे आर एल वन पिंट का मतलब 1 RL, और 1 RL में कितना ml होगा, 500 ml। इस तरीके से डॉक्टर लिखता है, पिंट वर्ड कहीं भी आता है याद रखना, पिंट वर्ड कहीं भी आता है तो 500 ml से आप रिप्रेजेंट करना, वन पिंट बराबर 500 ml, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इसके अलावा 1 ounce जो है, ये ounce मतलब हम ounce ग्लास से मेजर करते हैं, उसमें 30 ml होता है बच्चों, और ounce हम लोग पीडियाट्रिक वार्ड में यूज करते हैं बच्चों, पीडियाट्रिक वार्ड में कॉमनली बच्चों को जब हम मेडिसिन देते हैं तो हम ounce ग्लास का यूज करते हैं। ounce ग्लास जो है जिसके अंदर पर्टिकुलर मेंशन होता है कि 1 ounce बराबर 30 ml, 2 ounce बराबर 60 ml, इस तरीके से वो मेंशन करते हैं। तो बच्चों ounce जब भी लिखा होता है तो 1 ounce बराबर 30 ml, ये वो पैरामीटर्स है जो एग्जाम में सीधे पूछते हैं, और यू शुड नीड टू बी रिमेंबर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ounce का मीनिंग आता है, पिंट का मीनिंग आता है, जीटीटी का मीनिंग आता है, तो कंफ्यूज मत होना, डॉक्टर अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैंने कहा ना बच्चों कुछ स्पेशल लेके आया हूं आपके लिए। देखिए JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर UPSC परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र, मैं हमेशा कोशिश करता हूं मेरे बच्चों के लिए कुछ ऐसा दूं जो सच में आपको अपने जिंदगी बनाने में मदद करें, और इतना कॉन्फिडेंट कर दें कि आप चिल्ला चिल्ला के कहें यस इस बार तो मेरा सिलेक्शन होगा। और आपके जेएनसी टीम ने प्रिपेयर किया UPSC ब्रह्मास्त्र, अंतिम क्षणों में पूरा रिवीजन क्या है मैं बताना चाहूंगा शॉर्टली, अंतिम क्षणों में पूरा रिवीजन, JINC श्योर सिलेक्शन बुलेट के साथ ऑफर 29 सितंबर, प्राइस 299 रुपए बच्चों। क्या होगा, आपको बच्चों एक पीडीएफ मिलेगा, आपको एक पीडीएफ मिलेगा, और ये पीडीएफ कम से कम 135 पेजेस का होगा, 135 पेजेस का पीडीएफ होगा, और इस पीडीएफ में
ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट होंगी, इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट होंगी। ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट में एवरी यूनिट कवर किया गया, हर यूनिट से बनने वाले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पीडीएफ में पुट किया हुआ है। और याद रखना, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट, रीजनिंग मैथ्स अदर नहीं होगा, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट है। और इस पीडीएफ को आपको परचेज करने के बाद, इस पीडीएफ को परचेज करने का सिंपल तरीका, या तो आप डायरेक्टली जे आई एन सी जोधपुर जो है ऐप पे जाके आप परचेज करें, या www.jinc-jodhpur.com वेबसाइट पे जाके परचेज करें, या सीधा 9636032691 आप इस फोन नंबर पे फोन पे पेटीएम करके परचेज करें। ये जो पीडीएफ आपके सामने पुट किया बच्चों, परचेज करने से 6 to 8 hours के बाद में आपके मेल आईडी पे भेजा जाएगा विथ पासवर्ड, और इसमें पासवर्ड होगा, आपको इसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके इस पासवर्ड से आप पीडीएफ को खोल सकते हो। ध्यान से देखिएगा, इस पासवर्ड से पीडीएफ को खोल सकते हो, फोटो कॉपी नहीं होगी, कॉपीराइट आ जाएगा बच्चों, एक से दूसरे को नहीं भेज सकते हैं, बहुत कॉपीराइट के इश्यूज होंगे। तो सिर्फ जो आपको पासवर्ड और आईडी मिलेगा उससे आप इस पीडीएफ को खोल सकते हो, और इस पीडीएफ को ओपन करने के बाद आप 135 पेजेस के वो इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ सकते हो जो आखिरी ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट का, एक क्विक रिविजन। और मुझे लगता है इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता, इसे कहते हैं जे आई एन सी है तो मुमकिन है। बहुत ही शिद्दत से बनाया है, और मैं क्लियर कह रहा हूं बच्चों, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर टू टेक दिस बुलेट 299 बच्चों। और इसमें नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट का ऐसा रिवीजन जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा बच्चों, 135 पेज को तो आप आराम से पढ़ सकते हैं बच्चों, इट्स अ ग्रेट प्लेजर। और इस तरीके से आप इस पीडीएफ को ओपन करिएगा, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ड्रग ऑफ टीबी कैन कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस। मैंने आपको हिंट दिया है, आपको फटाफट आंसर पुट करना है, फटाफट आंसर पुट करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, रिफामसी, आइसोनियाजिड, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, एथेम्ब्यूटोल। मैंने कहा था ई वर्ड है तो ई से याद रखना, ये आई को अफेक्ट करेगा, और आई की नर्व सप्लाई कौन करता, ऑप्टिक नर्व, कौन करता, ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करेगा जिससे पेशेंट का विजन क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। और ये एथेम्ब्यूटोल बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग है, एग्जाम का क्वेश्चन, बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अगेन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग है। बाकी जितने भी ड्रग मैंने बैक्टीरियोसाइडल बताया, सारी ड्रग को बैक्टीरियोसाइडल बताया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और ये ड्रग जो है बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग है। एथेम्ब्यूटोल का नाम है मायम्ब्यूटोल, वन ऑफ द ड्रग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ड्रग है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो, जिसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं, जिसे बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। तो बच्चों आपको आंसर लिखना एथेम्ब्यूटोल, क्या आंसर लिखोगे, एथेम्ब्यूटोल, जो कहां अफेक्ट करता आई को, और क्या कॉज करता है, विजुअल एक्यूटी को डिक्रीज करता है विद द ऑप्टिक न्यूराइटिस और स्किन रैशेस। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड, ये एक ड्रग जिसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं, बाकी सारी ड्रग को मैंने बैक्टीरियोसाइडल बताया, बैक्टीरियोसाइडल बताया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। नहीं बच्चों, पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, पीडीएफ प्रिंट नहीं होगी, आप सिर्फ अपने मोबाइल में उस आईडी पासवर्ड के द्वारा इस पीडीएफ को ओपन करके स्टडी कर सकते हो। ना तो ये कॉपी पेस्ट हो सकता है, ना ये प्रिंट आउट निकल सकता है, सिर्फ आप अपने मोबाइल में लॉगिन करके उसको स्टडी कर सकते हो बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ड्रग ऑफ टीबी कैन कॉज एट क्रैनियल नर्व, अभी आपको बताया था बच्चों, रिफामसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एथेम्ब्यूटोल, और आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अभी रिसेंटली आपको पढ़ाया, ऑटोटॉक्सिटी कैन कॉज करता है एट क्रैनियल नर्व। एक और बात बता देता हूं बच्चों, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, याद रखना रे बदमाश बच्चों, वेस्टिबुलर नर्व का काम है बैलेंस,
वेस्टिबुलर नर्व का काम है बैलेंस और कॉकलियर नर्व का काम है हियरिंग। हियरिंग इसका मतलब सीधा है ईयर का जो नर्व सप्लाई है वो बैलेंस के लिए भी रोल प्ले करता है, हियरिंग के लिए रोल प्ले करता है। एक वेस्टिबुलो होता है, एक कॉकलियर होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व बनता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व बनता है। तो वेस्टिबुलर नर्व आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बैलेंस, कॉकलियर नर्व आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग। Cochlear nerve are responsible for the hearing, my loving future nursing officer. Do you remember everybody? Okay, fine. Next, dekhiyega. Next, move on karte bachcho. Next question ki taraf jaate hain. Answer bhi saath aa gaya. Don't worry. What is the primary reason for the administer morphine to the client with the myocardial infection? MI ka patient hai aur morphine drug administer kiya ja raha. Morphine jo hai opioid analgesic hai bachcho. Opioid analgesic drug hai. जिसको हम एमआई के अलावा कैंसर को ट्रीट करने में भी यूज करते हैं। और यदि पेशेंट को आपने ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग दिया तो इसका पर्पज पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने ऑप्शन दिया है टू डिक्रीज ओ2 डिमांड ऑन द क्लाइंट हार्ट। ये ड्रग क्या करती है, पेशेंट के हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड कम करती है, और डिमांड कम करेगी तो पेशेंट का पेन क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। पेन क्या होगा, रिड्यूस होगा। द ड्रग वी कैन से मॉर्फिन सल्फेट। क्वेश्चन बनेंगे यहां पर, एमसीक्यू बनेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से बच्चों, एमसीक्यू बनेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। यू कैन सी एवरीबडी। देखिए मैंने मॉर्फिन सल्फेट को लिखा कि ऑटो डिमांड को कम करती है, और क्या क्या एमसीक्यू बनेंगे वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना हर एक और ड्रग लेके आया हूं बच्चों, जो आपके आने वाले यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान पूर्वक मन लगा करके उस इंपॉर्टेंट पैरामीटर को रिमाइंड करना, याद करना है, ओनली यू कैन क्रैक योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो मैंने क्लियर लिखा मॉर्फिन सल्फेट ऑटो डिमांड को कम करती है। पहली बात तो मॉर्फिन को हमेशा बच्चों आईवी प्रीफर करते हैं, और इसको डायल्यूट करते हैं 5 ml में, और 5 ml क्या होगा, स्टेराइल वाटर होगा। एक एक पैरामीटर देखिएगा, मॉर्फिन को कौन से रूट से देते हैं कॉमनली आईवी, कितना ml में डाइल्यूट करते हैं 5 ml में, ये क्या होगा, ये डिस्टिल वाटर होगा। उसके बाद जब आप एडमिनिस्टर करोगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम, याद करें अपने उन दिन को जब आप आईवी लगाने कहीं भी जाते थे, आप आईवी लगाने कहीं पर भी जाते थे तो 5 सेकेंड में ड्रग देके आ जाते थे। और जब भी आईवी लगाना होता है तो बच्चों बहुत ही स्लो लगाना होता है, क्योंकि मॉर्फिन रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉज करती है। मॉर्फिन ड्रग का साइड इफेक्ट पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉज करता है। दैट यू शुड नीड टू बी नो 4 to 5 मिनट्स में स्लोली एडमिनिस्टर करना होता है मॉर्फिन सल्फेट को बच्चों। ओके फाइन। एक और खास बात, जब भी पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट देते हो तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डियर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना होता है बच्चों, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना होता है, जिसे डिगॉक्सिन हम पढ़ते हैं, वहां पर पेशेंट की हार्ट रेट को मॉनिटर करना होता है। याद रखिएगा यहां पर पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट प्रायोरिटी होगा। जब आप डिगॉक्सिन पढ़ते हो जिसको हम आइनोट्रॉपिक एजेंट बोलते हैं, वहां हार्ट रेट को मॉनिटर करना प्रायोरिटी होता है, और वहीं मॉर्फिन सल्फेट में रेस्पिरेटरी रेट, बिकॉज यदि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट है वो लेस देन 12 हो गया तो हमें स्टॉप कर देना है, और लेस देन 10 हो गया तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करेगा। मतलब क्वेश्चन आता है एग्जाम में अजय सिंह वैलिडिटी 6 मंथ तक रहेगी बच्चों। अजय सिंह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कौन सी ड्रग को एडमिनिस्टर करते समय मॉनिटर करते हैं, तो मॉर्फिन सल्फेट आंसर देना। अरे बदमाश अजय, बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा एक बार बेटा। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि इफ रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10, मैंने कहा था 10 से कम होगा तो उसको पेशेंट को कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। मॉनिटर फॉर द प्यूपिल चेंजेस बिकॉज पिन पॉइंट प्यूपिल, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट दिया तो पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट क्या करेगा, पिन पॉइंट प्यूपिल, टॉक्सिटी होगा तो पिन पॉइंट प्यूपिल कॉज कर सकता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि मॉर्फिन सल्फेट का ओवरडोज होने की वजह से पेशेंट में क्या सिम्टम इंडिकेट करेगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा,
पिन पॉइंट प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल बच्चों, और एंटीडोट तो सबको पता है नेलेक्सोन, ज्यादा हो गया तो नेलेक्सोन को दे सकते हैं, ज्यादा हो गया तो नेलेक्सोन को दे सकते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट डिजिटल क्रांति के बारे में जरूर जानिएगा, डिजिटल क्रांति के बारे में जरूर जानिएगा बच्चों। जेआईएनसी जोधपुर के द्वारा सबसे अधिक पॉपुलर कोई कोर्स है वो डिजिटल क्रांति बच्चों, पढ़े घर बैठे बिना इंटरनेट पेनड्राइव कोर्स, जिसकी प्राइस 14,500 है बच्चों, प्राइस 14,500 है। और इस कोर्स में कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है 1200 प्लस, इसमें वीडियोस है, रिकॉर्डेड वीडियोस, टीम जेआईएनसी, जेआईएनसी की बच्चों ए टीम इसको पढ़ाया है, जो टीचर आपको जेएनसी के ऑफलाइन क्लास में जोधपुर जेएनसी गुरुकुल में पढ़ाते हैं उन्हीं टीचर्स ने इस कोर्स को रिकॉर्ड किया है। और इसकी वैलिडिटी बच्चों 1 ईयर है। खास बात, एक बॉक्स आएगा जिसमें 4 पेनड्राइव होगा, की होगा, और ये पेनड्राइव के अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास विथ एमसीक्यू होगा, और आप घर बैठ के बिना इंटरनेट, बिना इंटरनेट वर्ल्ड में, इंडिया में, गांव में, कस्बों में, कहीं पर भी बैठ के अपने सपनों के 4 चांद लगा सकते हो। एक लीड आएगी साथ में, मोबाइल में कनेक्ट करिएगा, लैपटॉप में कनेक्ट करिएगा, एलईडी में कनेक्ट करिएगा, जहां देखने का मन करे वहां कनेक्ट करके आप इस कोर्स को स्टडी कर सकते हैं बच्चों। और ये उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं और गांव विलेज में रहते हैं, नेट का इश्यू है, उनको ध्यान में रख के बनाया हुआ बच्चों, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। सिंपल तरीका है, आप 9636032691 पे फोन पे पेटीएम करके परचेज कर सकते हो, या आप डायरेक्टली, या आप डायरेक्टली जेएनसी जोधपुर के ऐप से या वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो, वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन एडमिनिस्टर ए थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग टू द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एमआई, द नर्स एक्सप्लेन टू हिम द पर्पस ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग की बात कर रहा, कि थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग हम किसी पर्सन को देते तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग क्यों देते, हम एमआई की बात करें, हम एमआई की बात करें कि थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग क्यों देते हैं। मैं लिखा है, व्हेन एडमिनिस्टर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग टू द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एमआई, द नर्स एक्सप्लेन टू हिम दैट द पर्पस ऑफ ड्रग, क्या वो पेशेंट को वेल हाइड्रेट में मदद करेगी, क्या वो ड्रग पेशेंट के क्लॉट को डिसॉल्व करने में मदद करेगी, क्या ये ड्रग पेशेंट के किडनी फेलियर को बचाएगी, और क्या ये पोटेंशियल कार्डिक अर्थमियास को रोकेगी, कार्डिक अर्थमियास को रोकेगी माय लविंग फ्यूचर। अरे दीक्षा, पूरा नर्सिंग कवर है, पूरा नर्सिंग के सब्जेक्ट कवर है बच्चों। तो फटाफट आपको आंसर लिखना है, मैंने बात की है थ्रोम्बोलाइटिक, मैंने बात की है थ्रोम्बोलाइटिक, और थ्रोम्बोलाइटिक का एग्जांपल बच्चों आपको अच्छे से बताऊंगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज वो ड्रग है जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग के रूप में हम यूज करते हैं, एमआई वाले पेशेंट को हम देते हैं। इसका पर्पस क्या बात है बच्चों ने सबने बी लिखा है, आपका आंसर यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्लॉट को डिसॉल्व करने में मदद करती, कैसे डिसॉल्व करती देखिएगा, जैसे थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग हम पेशेंट को देंगे तो आपके ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगा, और प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन को सिक्रीट करेगा, और प्लाज्मिन क्या कर देगा, इस क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा, क्लॉट को क्या कर देगा बच्चों, डिसॉल्व कर देगा। दिस इज द मैकेनिज्म हाउ टू डिसॉल्व क्लॉट बाय स्ट्रेप्टोकाइनेस, बाय थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, सिंपल तरीका, जैसे ड्रग आप पेशेंट को दोगे तो ब्लड में प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगा, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन को सिक्रीट करेगा, और प्लाज्मिन आके ड्रग को, सॉरी ब्लड क्लॉट को क्रैक करने में मदद करेगा बच्चों। और स्ट्रेप्टोकाइनेस में लिखा है एलटी प्लेज है, रेटी प्लेज है, टेनेक्टी प्लेज है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एमआई होने के अगले कितने टाइम के अंदर अंदर इस ड्रग को देना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, एक पेशेंट को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आने के अगले कितने कितने टाइम में इस ड्रग को देना चाहिए, तो आपको आंसर लिखना बच्चों विद इन सिक्स आवर। और हमेशा ब्लीडिंग इसका प्राइमरी कंसर्न है, यदि किसी पेशेंट को आप स्ट्रेप्टोकाइनेस दे रहे हो तो याद रखना उसको ब्लीडिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो डियर नर्स का जो कंसर्न होगा वो पेशेंट का ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करना। देखिए हर जगह इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर जगह इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और यहां पर भी डियर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्राइमरी कंसर्न किसके साथ रखे बच्चों, ब्लीडिंग के साथ। और अमाइनो कैप्रोइक एसिड जो है ये एंटीडॉट है बच्चों, इस ड्रग का एंटीडॉट है, मतलब ज्यादा दे दिया
पेशेंट को ये ज्यादा दे दिया तो डेफिनेटली ब्लीडिंग होगा, और उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीडॉट के रूप में कौन सा ड्रग चाहिए, तो अमाइनो कैप्रोइक एसिड के रूप में आप ड्रग को यूज कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रेनॉड डिजीज, बच्चों एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, रेनॉड डिजीज का ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, आंसर भी साथ मारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दैट डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेनॉड डिजीज। देखिए बच्चों रेनॉड डिजीज क्या होता है, स्पाजम ऑफ आर्टरीज, स्पाजम ऑफ आर्टरीज, आर्टरी में स्पाजम होगा रिजल्टिंग डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई पेशेंट को क्या होगा डिक्रीज होगा, दैट कैन कॉज पेन, दैट कैन कॉज पेन, इसको हम बोलते हैं रेनॉड डिजीज। क्या बोलते हैं रेनॉड डिजीज, और रेनॉड डिजीज को ट्रीट करना है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग हम कॉमनली यूज करते हैं, आपने डिपिन एम्लोडिपिन ये बहुत सारी ड्रग्स पड़ी होगी, दैट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसका दो काम है, एक तो यह वैसो डायलेशन करता है, ये ड्रग जो है वैसो डायलेशन क्या करता है, दूसरा ये वैसो जो स्पाजम है, स्पाजम जो है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, जिससे पेशेंट को रेनॉड डिजीज से मिनिमाइज होने में मदद मिलती है। ओके फाइन, इसके अलावा मैंने जेंथिनॉल पुट किया बच्चों, जेंथिनॉल पुट किया, मैं बताना चाहता हूं जेंथिनॉल जो है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बर्गर डिजीज, बर्गर डिजीज, बर्गर डिजीज जो है इसको हम थ्रोम्बो एंजाइटिस भी बोलते हैं, इसको हम थ्रोम्बो एंजाइटिस भी बोलते हैं, थ्रोम्बो एंजाइटिस भी बोलते हैं, और वी कैन से बर्गर डिजीज, आर्टरी में ब्लड क्लॉट होगा, आर्टरी में इन्फ्लेमेशन भी होगा, दैट ड्रग वी कैन से द डिजीज वी कैन से थ्रोम्बो एंजाइटिस, और इसी को बर्गर डिजीज बोलते हैं। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो आपको जेंथिनॉल मिकोटिनेट लिख सकते हैं बच्चों, जेंथिनॉल मिकोटिनेट आप पुट कर सकते हो। देखिए डायरेक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैंने यहां पर सीधे पुट किए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने कुछ MGSO4 के बारे में लिखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने यदि सीवियर एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया पढ़ा होगा तो आजकल एग्जाम में MGSO4 का डोज पूछते हैं, MGSO4 का डोज पूछते हैं बच्चों। मैंने क्या लिखा है कि जब MGSO4 मैग्नीशियम सल्फेट आप पेशेंट को इंट्रामस्कुलर दे रहे हो तो लोडिंग डोज बच्चों 4 ग्राम, यह याद रखना 4 ग्राम पहले आपको आईवी देना है 3 से 5 मिनट में, 4 ग्राम के बाद में फिर 10 ग्राम आईएम लगाना, ध्यान से देखिएगा 10 ग्राम आईएम लगाना है, 5 ग्राम ऑन ईच बटक्स, टोटल कितना हो गया 14, इंट्रा मस्कुलर का लोडिंग डोज। शुक्रिया एम कुमार, एग्जाम में पूछा जाता है इंट्रा मस्कुलर का लोडिंग डोज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपको क्लियर मेंशन करना 4 ग्राम आईवी, 5 ग्राम ऑन ईच बटक्स, और ईच बटक्स। उसके अलावा यदि मेंटेनेंस में तो 5 ग्राम आईएम देकर के 4 आवरली अल्टरनेट बटक्स पुट कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन आता है कि लोडिंग डोज कितना होता है इंट्रामस्कुलरली यदि पेशेंट को MGSO4 चल रहा है, तो सीधा याद रखिएगा पहले 4 ग्राम आईवी, फिर 5 ऑन ईच बटक्स, और आईवी तो बड़ा आसान है 4 से 6 ग्राम ही देते हैं, बट स्लो देते हैं बच्चों, और वही मेंटेनेंस में 1 to 2 ग्राम यूज कर सकते हैं, मेंटेनेंस में 1 to 2 ग्राम हम कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्लियर पुट किया बच्चों MGSO4 फॉर सीवियर प्री एक्लेम्प्सिया, इंट्रामस्कुलर कितना होगा, आईवी का कितना होगा, दोनों का डोज कितना होगा, मैंने क्लियर यहां पर मेंशन किया, आई होप कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमंग दीज विच ऑफ द ड्रग इज सेल साइक्लिक स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक, मतलब सीधा है एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग दो प्रकार की होती है, एक नॉन स्पेसिफिक सेल साइक्लिक होता है, एक स्पेसिफिक सेल साइक्लिक होता है। मेरा एमसीक्यू आपसे क्या, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अमंग दीज विच ड्रग इज अ सेल साइक्लिक स्पेसिफिक एंटी न्योप्लास्टिक मेडिकेशन, क्या हम सिस्प्लेटिन को बोलते हैं, क्या मीथोट्रेक्सेट को बोलते हैं, क्या साइक्लोफॉस्फामाइड को बोलते हैं, क्या हम थियोटोपा को बोलते हैं बच्चों, सेल साइक्लिक स्पेसिफिक एंटी, स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक पूछा है। देखिए एक हम पढ़ते हैं बच्चों नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है सेल साइकिल के किसी भी फेज पे हम उस ड्रग को दे सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल एल्कलेटिंग एजेंट, एल्कलेटिंग एजेंट इज ए नॉन स्पेसिफिक सेल साइक्लिक कीमोथेरेपी। बाकी मैंने यहां पर नॉन, देखिए Which of the drug is a cell cyclic specific anti-neoplastic? मैंने specific पूछा है, non-specific में जब भी पूछे तो alkylating agent लिखना है, तो सही आंसर क्या होगा बच्चों methotrexate, रट्टा मत मारिए, there's a folate antagonist बोलते हैं बच्चों ये, और थियोटोपा बच्चों ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करने में यूज करते हैं, छोटी छोटी
वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको स्ट्रांग बना सकते हैं, आपको स्ट्रांग बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर मैंने क्लियर मेंशन किया है कि हर एक एमसीक्यू फार्मा से बिलोंग करेगा, आपके आने वाले एग्जाम में आपको बूस्ट करने में मदद करेगा बच्चों। ओके फाइन। इवन मैंने ये भी मेंशन किया है कि सिस्प्लेटिन जो है ये सार्कोमा 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 और कार्सिनोमा कार्सिनोमा याद रखना बच्चों, कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर सार्कोमा, एपिथेलियल का कैंसर दैट वी कैन से कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एचआईवी पॉजिटिव क्लाइंट हु हैज बीन स्टार्टेड ओनली हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कम बैक फॉर द फॉलो अप चेकअप। मतलब पेशेंट को क्या चल रहा, ART याद रखना, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी याद रखना बदमाश बच्चों। ART जो है कैन नॉट कंप्लीटली इरेडिकेट HIV/AIDS। याद रखिएगा, एड्स को पूरी तरीके से ये ड्रग ठीक नहीं कर सकती, एड्स को पूरी तरीके से ये ड्रग ठीक नहीं कर सकती है। बस इस ड्रग का काम क्या होगा, ये ड्रग दो काम करेगी, एक तो डिक्रीज करेगी बच्चों रिप्लिकेशन, किसका रिप्लिकेशन, HIV का रिप्लिकेशन कम होगा, दूसरा इंक्रीज करेगी इम्यून स्ट्रेंथ को, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगी, तो पेशेंट की इम्यूनिटी मजबूत होगी, रिप्लिकेशन को रोकेगी तो फर्दर स्पीड ऑफ स्प्रेडिंग जो है वो कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्प्रेडिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, ART यदि कोई पेशेंट ले रहा है तो ये पेशेंट को कंप्लीट ठीक नहीं कर सकती, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ओनली हेल्पिंग टू एक्सटेंडिंग, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ओनली हेल्पिंग टू स्टैंडिंग, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है, ओनली लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ाने में मदद करता है बच्चों, दैट वी कैन से एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। मैंने क्लियर मेंशन किया है, दो काम है, फर्स्ट थिंग टू डिक्रीज रिप्लिकेशन ऑफ HIV, सेकेंड थिंग टू स्ट्रेंथन टू स्ट्रॉन्गन टू इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम, तो पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है बच्चों। तो याद रखना माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहां मैंने क्वेश्चन पूछा है, एन HIV पॉजिटिव क्लाइंट हु हैज बीन स्टार्टेड ऑन द हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कम बैक फॉर द फॉलो अप चेकअप, तो क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट हेल्पफुल डिटरमाइंड रिस्पॉन्स ऑफ द थेरेपी, कौन सा वो रिस्पॉन्स है उस थेरेपी को, कौन सा वो रिस्पॉन्स है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, उस थेरेपी को इफेक्टिवनेस का पता लगाने में मदद करता है। क्या हम रैपिड HIV एंटीजन टेस्ट करेंगे, क्या हम वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस करेंगे, क्या हम वायरल लोड टेस्ट करेंगे या WBC टेस्ट करेंगे, फटाफट आपको आंसर पुट करना है, फटाफट आपको आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। HIV का पेशेंट था, ART उसको चल रही थी, ART के बाद जब पेशेंट हॉस्पिटल आता तो कौन सा टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि ART जो है वो इफेक्टिव है, ART जो है इफेक्टिव। बिल्कुल, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर क्लियर लिखा है, वायरल लोड टेस्ट, एब्सोल्युटली आपका आंसर सही है बच्चों। वायरल लोड टेस्ट फाइंड आउट करता है कि टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ HIV जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटिव टेस्ट है बच्चों, वेस्टर्न ब्लॉट जो है ये कंफर्मेटिव टेस्ट है, किसका कंफर्मेटिव टेस्ट है, अडल्ट का कंफर्मेटिव टेस्ट, याद रखना बदमाश बच्चों, अडल्ट को HIV कंफर्म करना है तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करेंगे, और यदि हमें ART की इफेक्टिवनेस को चेक करना है तो वायरल लोड टेस्ट करेंगे। दोनों डिफरेंस देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए क्लाइंट अराइव एट द इमरजेंसी रूम विद अ फॉरेन बॉडी इन द लेफ्ट ईयर। एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उसके लेफ्ट ईयर के अंदर कोई फॉरेन बॉडी था, दैट हैज बीन डिटरमाइंड टू बी एन इंसेक्ट। क्या था वो, कान के अंदर इंसेक्ट था। विच इंटरवेंशन वुड बी नर्स एंटिसिपेट टू बी प्रिस्क्राइब इनिशियली। मतलब पेशेंट हॉस्पिटल आता है, उसके कान में फॉरेन बॉडी है, उसको देखा तो पता चला इंसेक्ट था, तो डियर नर्स क्या करेगी। ऑप्शन देखिएगा, इरिगेशन ऑफ द ईयर, इंस्टॉलेशन ऑफ द डाइल्यूटेड एल्कोहल, देन इंस्टॉलेशन ऑफ द एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप, देन लिखा है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ईयर ड्रॉप। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, चारों में से कौन सा सही होगा, कान के अंदर इंसेक्ट है। हमेशा याद रखना, जब भी इंसेक्ट को ईयर से रिमूव करना होता है तो निकालने से पहले किल करना होता है,
किल बिफोर रिमूवल, ये याद रखना बच्चों, जब भी इंसेक्ट को निकालोगे तो निकालने से पहले क्या करोगे, किल करोगे, किल बिफोर रिमूवल। क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि इंसेक्ट को पकड़ के खींचा तो ईयर ड्रम को भी साथ में लेके आ जाएगा और आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा। यू शुड नीड टू बी कैप्ट इन योर माइंड, इंसेक्ट को निकालने से पहले किल करने में कौन रोल प्ले करेगा, एल्कोहल बच्चों, डायल्यूटेड एल्कोहल, याद रखिएगा डायल्यूटेड एल्कोहल जो मेडिकल शॉप में मिलता बच्चों। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिएगा, जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है और ऑफलाइन बैच का टाइम होता बच्चों 3 to 7 PM का टाइम है, जहां 6 मंथ का कोर्स है, जहां 6 मंथ का कोर्स है, 30 डेज में 30 डेज क्लास है, हर ट्यूजडे को वीकली टेस्ट है। और इस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जेएनसी जोधपुर आना पड़ेगा, 6,000 rupees आपके हॉस्टल की फीस है, लाइब्रेरी फ्री है बच्चों, और सिंपल तरीका है 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करना है 1,000 rupees और आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाइल इंस्टिलिंग ईयर ड्रॉप टू द अडल्ट क्लाइंट द ईयर कैनाल स्ट्रेंथन बाय द पुलिंग द पिना, मतलब जब आप अडल्ट के अंदर, क्लियर लिखा हुआ है, जब आप अडल्ट पेशेंट, पेशेंट कौन है, अडल्ट, कान में ईयर ड्रॉप इंस्टिल कर रहे हो, when you are माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, व्हाइल इंस्टिलिंग ईयर ड्रॉप टू द अडल्ट क्लाइंट द ईयर कैनाल इज स्ट्रेंथन बाय द पुलिंग द पिना स्ट्रेट बैकवर्ड देन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड देन स्ट्रेट डाउनवर्ड देन बच्चों अपवर्ड एंड बैकवर्ड। मैंने पूछा अडल्ट का, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से देखिए, ये पेशेंट का पिना है, ये पेशेंट का पिना है बच्चों, और ये पेशेंट की लॉब है, लॉब है, मैं बात कर रहा हूं अडल्ट का, मैं बात कर अडल्ट का, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अडल्ट में हमेशा देखना अपवर्ड और बैकवर्ड होता है, बच्चों में डाउनवर्ड और बैकवर्ड होगा, तो आपको सही आंसर पुट करना है। क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया, फंटास्टिक। डी जिन्होंने आंसर लिखा है, उनका आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो बच्चों आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन फार्मा का यहीं तक था, मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं किसी भी तरीके से आपके सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकूं, मेरी ये कोशिश जारी रहेगी। कल सुबह ठीक 10:30 कंप्यूटर स्पेशल यूपीपीएससी स्टाफ नर्सरी स्पेशल कंप्यूटर की क्लास होगी, कंप्यूटर की क्लास के बाद हम माइक्रोबायोलॉजी, आने वाले टाइम में जीके जीएस पढ़ेंगे, इवन उसके साथ साथ बच्चों मैथ्स की क्लास भी होगी, और लास्ट में टाइगर क्लास का सामना करना है, जहां पर हम शॉर्ट क्विक रिवीजन आपके साथ करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरी कोशिश जारी रहेगी, और क्लास को शेयर जरूर करा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मां बाप को खुश रखिएगा, जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करना है, ना कभी किसी के बाप में या किसी के बारे में बुरा बोलना है। जल्दी मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।